इन सधे कदमों की चाल देखकर अच्छे से अच्छा करता बाज भी शर्मा जाए। लेकिन इन तस्वीरों का किस्सा शुरू करने से पहले एक बात आपको बता दें कि मोटी रस्सी पर यह कदम किसी करतब का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये मजबूर जिंदगी को जीने का वो स्टंट है जिसने इन ग्रामीणों के पैरों के नीचे मौत की तस्वीर को उकेर दिया है। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाके बस्तर और दंतेवाड़ा के बीच पड़ने वाली एक नदी की हैं, और ये चंद रस्सियां और रस्सियों पर सहारा बनने वाली ये चंद लकड़ियां एक पुल का काम कर रही हैं। बस्तर और दंतेवाड़ा जिले से करीब 13 किलोमीटर दूर डेमरू नाम की ये नदी उफान पर है, और मसेनार और मिठुरवाड़ नाम के इन गाँवों को जोड़ने वाली इस नदी को गाँव के लोगों ने पार करने के लिए इस जुगाड़ के पुल को जरिया बना लिया है। दरअसल तमाम वादों और दावों के इस देश में आज भी इन दो गांवों को जोड़ने के लिए सिर्फ ये नदी ही है। गर्मियों में सूखी नदी को पार कर गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन बरसात के दिनों में नदी पार करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में नदी किनारे मौजूद इन पेड़ों के सहारे लोहे के मोटे इलेक्ट्रिक तार को बांधकर पुल की शक्ल दे दी गई है, और अब इसी जुगाड़ पुल के सहारे बूढ़े और बच्चे, पुरुष और महिलाएं सब अपने रोजमर्रा का सफर तय करते हैं। इस जुगाड़ पुल को बनाने के लिए गांव के लोगों ने बिजली विभाग की हाई टेंशन केबल का इस्तेमाल कर डाला। दरअसल नदी के दोनों तरफ बने बिजली के खंभे और लोहा चुराने के लिए चोरों ने बिजली के तारों को काट डाला था, जिसके बाद बिजली विभाग ने दूसरी जगह से नई केबल डाल दी और दो गांवों के लोगों ने बेकार पड़ी केबल का इस्तेमाल नदी पार करने के लिए कर डाला। चौंकाने वाली बात ये है कि ये सिलसिला पिछले 15 सालों से चल रहा है। गर्मियों और ठंड में नदी में पानी कम होने से तो गांव के लोगों को दिक्कत नहीं होती, लेकिन बरसात आते ही ये खतरनाक पुल ग्रामीणों की मजबूरी बन जाता है। सालों से पुल पार कर रहे गांव के लोगों के लिए ये पुल बेशक एक आदत बन चुकी हो, लेकिन कदमों की एक जरा सी चूक किसी को भी किसी भी वक्त मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।